आइए जानते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में क्या सच में होता है। दोस्तों, आज आनंद बोधघ जी और पंडित सुखराज जी से तर्क वितर्क के माध्यम से जानेंगे दुनिया में स्वर्ग और नरक है कि नहीं, अगर है तो कहां है, क्या पता है उसका, धरती से कितनी ऊंचाई पर है, क्या वहां सबके लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, क्या कोई व्यक्ति मंत्र या पूजा पाठ यज्ञ के जरिए धरती से किसी भी वस्तु को स्वर्ग या नरक में भेज सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तर्क वितर्क के माध्यम से। दोस्तों, आपको बता दूं, ये कहानी बहुजनों के सवाल नामक पुस्तक से लिया गया है, अतः किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो क्षमा चाहूंगा। आनंद बौद्ध ने पूछा, पंडित जी आज पूजा दुखी के घर पर क्यों कर रहे हो? पंडित सुखराज ने जवाब दिया, आनंद भैया, आज दुखी के पिता की तेरही है, स्वर्ग में उनके लिए सामान भिजवाना है। आनंद बौद्ध ने पूछा, दुखी के पिता अपना घर छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? पंडित सुखराज ने जवाब दिया, अरे भाई, स्वर्ग कोई अपने मन से थोड़ी ही जाता है, आदमी मरने के बाद वहां जाता है। आनंद बौद्ध ने पूछा, पंडित जी आदमी के मरने के बाद कुछ लोग उसकी लाश जला देते हैं, कुछ लोग लाश को जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ लोग जानवरों की खाने के लिए लाश मचान पर रख देते हैं या नदियों में फेंक देते हैं। जानवरों के खाए हुए या जले हुए आदमी की तो कुछ छोटी छोटी हड्डियां ही बचती है जो अलग अलग होती है, और जमीन में गड़ा हुआ आदमी 10 कुंतल मिट्टी के नीचे होता है, फिर वह कहीं कैसे आ जा सकता है? पंडित सुखराज ने जवाब दिया, आदमी के मरने पर शरीर के अंदर से उसका प्राण यानी आत्मा निकल जाता है और प्राण ही स्वर्ग जाता है। आनंद बौद्ध ने जवाब दिया, पंडित जी मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, मैं अक्सर उनके पास बैठता हूं, उन्होंने आदमी के शरीर के बहुत सारे एक्सरे प्लेटें मुझे दिखाया है और बताया है कि शरीर में कौन कौन सा अंग कहां पर है, इसमें क्या खराबी आई है, किंतु उन्होंने अब तक मुझे आदमी के किसी भी एक्सरे में प्राण अथवा आत्मा को शरीर में न तो कहीं दिखाया है और न ही बताया है। पंडित सुखराज ने जवाब दिया, आत्मा कोई अंग थोड़े ही हैं जो रिपोर्ट में आएगी, वह तो हवा है जो निकल जाती है। आनंद बौद्ध जी ने पूछा, पंडित जी शरीर के बाहर हवा ही हवा है, फिर तो वह हवा में मिल जाएगी, जैसे अगर कोई एक बूंद पानी बाल्टी या तालाब में डाल दे तो बाहर से डाली गई पानी की बूंद बाल्टी या तालाब के पानी में मिल जाएगी, वैसे हवा भी हवा में मिल गई, क्या कोई बाल्टी अथवा तालाब में डाली गई वही एक बूंद पानी फिर से निकाल सकता है? यदि नहीं तब आत्मा रूपी हवा बाहर की हवा से दोबारा कैसे अलग होगी? पंडित सुखराज जी ने जवाब दिया, आनंद आपकी बात तो सही लगती है, मगर यह बात हमारे शास्त्र में लिखी है। आनंद बौद्ध ने पूछा, आपके शास्त्रों में लिखा है कि आदमी के शरीर से हवा रूपी आत्मा यानी प्राण हवा में मिलकर ऊपर स्वर्ग तक जाती है, यह स्वर्ग ऊपर कितनी ऊंचाई पर है और किससे बना है? पंडित सुखराज ने जवाब दिया, अरे भाई अभी मरा नहीं हूं और मरने के पहले स्वर्ग नरक कैसे देख सकता हूं, शास्त्रों में स्वर्ग नरक की ऊंचाई नहीं लिखी है, मगर सुनते हैं स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं हैं। आनंद बौद्ध ने पूछा, पंडित जी यह नरक क्या बता रहे हैं? पंडित सुखराज जी ने जवाब दिया, भाई सभी मरने वाले स्वर्ग ही थोड़े जाते हैं, जो बुरे लोग हैं उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है, उन्हें नरक में रखा जाता है, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। आनंद बौद्ध जी ने जवाब दिया, स्वर्ग और नरक क्या अगल बगल है, क्या इनका रास्ता आपको मालूम है? पंडित सुखराज जी ने जवाब दिया, अपने मरने पर ही स्वर्ग नरक देखने को मिलता है, मुझे वहां का रास्ता कैसे मालूम होगा? आनंद बौद्ध जी ने पूछा, फिर तो आपके मरने वाले बाप दादा वहां से आकर आपको बताए होंगे? पंडित सुखराज जी जवाब दिया, भैया वहां से आकर किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी है, किंतु वहां जाने के रास्तों के बारे में धर्म ग्रंथों में भी कुछ नहीं लिखा है। आनंद बौद्ध जी ने पूछा, जब स्वर्ग नरक का आपको पता ठिकाना रास्ता नहीं पता है, तब किस साधन से यह सामान आप स्वर्ग में दुखी के पिता के पास भेजोगे? कच्चा रास्ता होता तो सामान लेकर पैदल जाना पड़ता, सड़क होता
तो मोटर गाड़ी से आसमान में होता तो सामान हवाई जहाज से ही जा सकता है। हवाई जहाज भी सामान लेकर आसमान में बगैर पते के कैसे पहुंचा सकता है? और दुखी तो उसका भाड़ा भी नहीं दे सकता है। पंडित सुखराज जी ने जवाब दिया, अरे भाई, यह सामान स्वर्ग नहीं जाएगा, बल्कि यह सामान हम 13 ब्राह्मणों के घर जाएगा और हम ही इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बदले में भगवान स्वर्ग में इनके पिता को दूसरा सामान देंगे। आनंद बौद्ध जी ने पूछा, पंडित जी, अभी तो आप कह रहे थे कि स्वर्ग में सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, सुविधाओं की कमी तो नरक में है। दुखी के पिता कहाँ हैं, इसका भी तो आपको कुछ पता नहीं होगा। पंडित सुखराज जी ने जवाब दिया, हाँ भैया, सही बात तो यही है कि हम लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आनंद बौद्ध जी ने पूछा, मगर मुझे पता है किसी का भी शरीर हवा, पानी, मिट्टी और आग के तत्वों से बना होता है, जो धरती पर ही मौजूद रहता है। इन्हीं चारों चीजों के संयोग से पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ बनते हैं। जैसे बैंगन का एक बीज मिट्टी में पड़ता है तो पानी से नमी, सूरज से गर्मी, आग लेकर हवा में पौधा उगता है, उसमें सुंदर फूल और फल लगता है। एक समय बाद दोनों पेड़ बूढ़ा व जर्जर होकर खत्म होकर फिर उसी तत्व पानी, मिट्टी, हवा और गर्मी के रूप में बिखर जाते हैं। आदमी भी इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, इसमें न कुछ बाहर से आता है और न बाहर को जाता है। आदमी के नाक से जब हवा का आना जाना बंद हो जाता है, तब शरीर से गर्मी निकल जाती है, फिर शरीर का पानी और मिट्टी से बना शरीर लाश के अंतिम क्रिया के अनुसार जल जाता है, सड़ जाता है अथवा जानवरों का आहार बन जाता है। दुखी आनंद की बातें सुनकर बोली, पंडित जी, रहने दीजिए, मुझे तेर ही नहीं करवानी है। आनंद भैया की बात समझ में आ गई, स्वर्ग में इस सामान की जरूरत नहीं है और नरक अगर जेल है तो वहां कोई यह सामान उन्हें देगा नहीं। फिर मेरे पिता का आपको कुछ पता भी नहीं है, मुझे उनका पता चल गया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि पूरे संसार में कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। जय भीम। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय भीम।